दोस्तों मेरे चैनल सारिकास कुकिंग डायरी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं पालक और प्याज के कुरकुरे पकौड़े। तो चलिए आज की रेसिपी जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पालक के पत्तों का एक स्मॉल बंच लिया है। पालक को मैंने साफ करके अच्छे से धो लिया है और ये देखिए पालक की मैंने इतनी डंडी छोड़कर बाकी की डंडी को निकाल दिया है। अब हम पालक को बारीक काट लेते हैं। तो इस तरह कुछ पत्तों को साथ में लेकर इन्हें काट लेना है। देखिए इस तरह हमें पालक को पतली स्ट्राइप्स में कट कर लेना है। अब इसी तरह बाकी के पालक को भी हम कट कर लेते हैं। सारे पालक को काट लेने के बाद इसे हम जिस बर्तन में पकौड़े का मिक्सचर तैयार करने वाले हैं उसमें ले लेते हैं। पालक के साथ पकौड़े में हम प्याज मिलाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है। इस प्याज को हम लंबे और पतले स्ट्राइप्स में कट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब इसे भी हम कटोरे में ले लेते हैं। अब इसमें हमें मिलाना है स्वाद के अनुसार नमक। अब पकौड़े का मिक्सचर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा कप बेसन लिया है। इसमें से फिलहाल मैं 4 चम्मच बेसन इसमें मिला लेती हूँ और मिक्स कर लेती हूँ। अभी अगर मिश्रण ज्यादा ड्राई लग रहा है तो इसमें हम और बेसन मिलाएंगे। तो हमने जो बेसन बचा कर रखा था वो पूरा बेसन मिला लेते हैं और फिर से मिक्स कर लेते हैं। पकौड़े के मिश्रण में हमें ज्यादा बेसन भी नहीं मिलाना है, सिर्फ प्याज और पालक बेसन में कोट हो सके उतना ही मिलाना है। तो देखिए अब बेसन की क्वांटिटी परफेक्ट हो गई है। इस मिश्रण को हमें पानी मिलाए बिना ही तैयार करना है। तो मसलने के बाद इसे हम 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। 25 मिनट के बाद अब हम मिश्रण को फिर से मसलेंगे। जैसे जैसे हम इसे मसलते जाएंगे प्याज में रह गीलेपन की वजह से मिक्सचर सॉफ्ट लगने लगेगा। ये देखिए इसमें पानी मिलाने की भी हमें जरूरत नहीं, ऐसे ही ये सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिला लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम मिलाएंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 2 से 3 चुटकी जितना बेकिंग सोडा, 1/4 चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट। अब फिर से मसल लेते हैं। नमक हमने पहले ही मिलाया था इसलिए फिर से मिलाने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मिश्रण को हम जैसे जैसे मसलते जा रहे हैं मिश्रण सॉफ्ट होता जा रहा है और वो भी पानी मिलाए बिना। मिश्रण तैयार है तो पकौड़े बना लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ गैस पर मैंने तेल को गर्म करने रख दिया था। तेल गर्म हो चुका है तो थोड़ा थोड़ा मिश्रण हाथ में लेकर तेल में छोड़ते जाएंगे। मिश्रण का हमें गोला नहीं बनाना है, बस इसी तरह अनइवन टेक्सचर रखकर ही हमें इसे तेल में छोड़ना है। अब पकौड़ों को हम स्लो फ्लेम पर ही बीच बीच में पलटते हुए सुनहरे रंग का होने तक फ्राई करेंगे। फास्ट फ्लेम पर हमें पकौड़ों को कभी भी फ्राई नहीं करना है। फास्ट फ्लेम पर पकौड़े जल्दी से सुनहरे रंग के तो हो जाते हैं पर कुरकुरे नहीं बनते। पकौड़े सुनहरे रंग के हो गए हैं तो इन्हें एक प्लेट में पेपर नैपकिन रखकर निकाल लेते हैं और इसी तरह बाकी के पकौड़े भी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखा आपने, पकौड़े के टेक्सचर से ही पता चल रहा है कि हमारे पकौड़े बेहद ही कुरकुरे और डिलीशियस बने हैं। तो अब आप भी पालक और प्याज के कुरकुरे पकौड़ों को जरूर ट्राई करें और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड गुड डे।